वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अब सपा नेता सलामत उल्लाह ने टिकट के लिए दशहर दक्षिणी से आवेदन किया है, जिसके बाद वो समाजवादी से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, आइए सुनाते हैं सलामत उल्लाह से खास बात। विकास की बात को लेके आगे आएंगे और अपने क्षेत्र की समस्या को लेके आगे आएंगे। आप देखिए, पिछले 5 साल से यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और मेयर साहब भी हैं। ये क्षेत्र मियाँ बीबी दोनों का है और आप देख लीजिए, सड़कें इतनी ख़राब है, 5 साल में एक भी सड़कें नहीं बनी हुई है। करेली की आप जानसेनगंज चौराहा देख लीजिए, चौक देख लीजिए, कटघर देख लीजिए और क्या कहते हैं नैनी देख लीजिए आप, जो है बरुआ घाट देख लीजिए, और सिर्फ बदले की भावना से उनका कार्य हो रहा है। इस पर हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यदि हमें कामयाबी मिली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला और हम जनता के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद के साथ उतरे मैदान में, तो हम शिक्षक की लड़ाई लड़ेंगे। आप यही पार्टी के रहे नेता अब एमआईएम में चले गए हैं, वो भी हो सकता है दक्षिणी और पश्चिमी से चुनाव लड़ें, तो किस तरह से रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, आते जाते रहते, पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां कानपुर में पहुंचे सीएम योगी ने एमआईएम पर जमकर निशाना साधा था और ओवैसी को सपा की बी पार्टी बताई थी, और अब निशाना साधते हुए एमआईएम के नेता ने सीएम योगी पर पलटवार किया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो पहले सुनाते हैं क्या कहा सीएम योगी ने और क्या कहा एमआईएम नेता ने। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओबीसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो अभी कल बयान आया है कानपुर की रही उनकी पार्टी के कार्यालय उद्घाटन अवसर पर, हमारे पार्टी के सुप्रीमो और हमारे पार्टी के वर्कर या पदाधिकारी चाहे कोई भी हो, हम योगी आदित्यनाथ की और केंद्र सरकार की जो उनका सीधा निशाना था कि एनआरसी सीएए और तमाम कानूनों का विरोध ना किया जाए। किसानों ने 20 महीने पहले आंदोलन शुरू किया, उनको आंदोलन में विजय मिली, केंद्र सरकार को वापस तीनों कानून लेना पड़ा। अगर सीएए गलत है, उसमें बंगाली हिंदू, असमिया हिंदू, यहाँ के जो वहाँ के दलित आदिवासी लोग वो भी टारगेट पे आ रहे हैं, उनके पास भी 1947-71 पहले का जमीन का कागज वोटर लिस्ट नहीं है, तो इस कानून का विरोध होना चाहिए। जो इस देश में यहाँ के एक्चुअल जो हिंदू हैं उनको आप बाहर करके बाहर के लोगों को आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो इस कानून का संसद ने हमारी पार्टी को सुप्रीमो ने उस बिल को फाड़ा था। हमारी पार्टी के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग, इलाहाबाद के मंसूर पार्क, तमाम लखनऊ में तमाम जगह धरना प्रदर्शन था। हम इस कानून का जब तक ये वापस नहीं हो जाता, हम योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से ना डरने वाले ना घबराने वाले हैं, एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम इसका लीगल तरीके से विरोध करेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोधा व मिमिक्री आर्टिस्ट के नायकर ने आगामी चुनाव को लेकर अपने ही अंदाज में वोटरों को जागरूक करने का काम किया है, साथ ही उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में किस तरह से लोगों को जागरूक किया है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा कॉमेडी मिमिक्री आर्टिस्ट के नायकर ने। और कलाकारों पे तो निर्भर करता है, केवल तालीम कोई या वाहवा हमारे कुछ अखबारों में चैनल में हमारा जिक्र हो जाए या कुछ ऐसा कुछ विडंबना आपने कर दी और चैनलों में आपका जिक्र हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि लिखो हमारे नाम से इतनी बातें हो रही हैं ये है, मगर आगे चल के वो कैंसर हो जाता है। हमारे देश को सबसे पहले हमें ध्यान में रखते हुए फिर हमें अपने समाज को और हमारे इस पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी जीवन की दिनचर्या है किस तरह से सुचारू रूप से चले, कौन इसमें भला है,
पर इसकी नज़र पारखी हर इंसान की होना चाहिए और हर शख्स को अपने देश के लिए कौन सूटेबल है क्या है वो वोट तो देने जाना ही चाहिए। बिल्कुल आप चुनिए, वो सबको करना है, वो अधिकार है, उसको खोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पछता, अरे यार वो सरकार आज सही में हमारा दिमाग ख़राब कर गई यार सही में, अरे तुमने गए थे क्या वोट देने? नहीं हम पिछली बार नहीं गए थे मौसी के यहाँ चले गए थे उस दिन वोट दे वोट नहीं दिए, तो फिर तो काहे के लिए बोल रहा भैया है। तो यहाँ तो जहाँ तक हो लोगों को वोटिंग करना चाहिए और अच्छी सरकार चुने, हमारे देश का भविष्य, अब हम लोग जैसा भी है सब देख रहे हैं और हर आदमी स्वतंत्र है सोचने के लिए, चाहे कोई आंदोलन उसको बहुत अच्छा लगा हो या कोई आंदोलन ना पसंद हो, बस इतना है कि अपने दिल तहे दिल में रखे और एक मौका मिलता है उसे ना खोएं। उससे बड़ा पावर वोटर के पास में नहीं है, उस दिन का इंतज़ार जो लोग करते हैं कि हम बताएंगे तुम्हें, तो वो दिन आता है, तो उस दिन आप बताइए कि आप क्या भला है क्या बुरा है, वो हास्य भी होना चाहिए जिसे कि हमारे परिवार के बच्चे भी कर लें, तब तो बहुत मज़ा है ना। और नहीं तो आज हमने कई परिवारों में देखा अपने बच्चों को, इधर आओ इधर आओ मुन्ना, इधर आओ इधर आओ, इधर बेटा इधर आओ, अंकल को सुनाओ बढ़िया वाला, वो जैसे ही वो सुनाता है तो वो इतना असली सुना देते, तो बाप भी शर्मा, चल भगत तुमको ये बोला सुनाने, अरे लड़कों के साथ रहता है ना, मानिए सुनाता बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, अच्छा है ये सुनाने लायक है और ये सुनने लायक है, और आप खुद फैसला कर लेंगे कि भाई हमको क्या करना है। संगम नगरी प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में हुए भीषण रोड एक्सीडेंट से सनसनी फैल गई। बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में दो लोग जीजा और साली की मौत हो गई, जबकि तीन लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा शहर के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अटाला मोहल्ले में चौराहे के पास हुआ है। ओमनी कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों को सहयोग से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। सड़क हादसे में जिन लोग की मौत हुई है उनकी बाइक सवार 33 वर्षीय तस्लीम और 12 साल की लड़की बुशरा है, जबकि ओमनी कार में तीन लोग जख्मी हो गए हैं। तस्लीम और बुशरा का रिश्ता जीजा साली का था। वहीं घायलों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने तस्लीम और बुशरा को मृत घोषित कर दिया गया। खुल्दाबाद पुलिस का कहना है कि हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही। संगम नगरी प्रयागराज में कॉल्विन का नज़ारा है, जहां कहा जाता है सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएँ होती, मगर यहाँ हकीकत में देखने को मिल रही है। यहाँ पर लंबी लाइन डॉक्टरों के कारण लग रही है। डॉक्टर या तो समय से नहीं पहुँचते या फिर मरीजों की लंबी लाइन डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर लग गई है, जिससे कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ लोगों के ज़्यादातर चेहरे पर मास्क भी नहीं है और डॉक्टरों के चैम्बरों के बाहर लंबी कतार लगी हुई है, जिससे कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब वहीं सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही आर्टिकल 370 खत्म करने की मांग की जा रही है। वहीं एमआईएम के प्रमुख ओवैसी का कहना है कि यदि ये कानून वापस नहीं किया गया तो हम फिर से सड़क पर बैठकर शाहीन बाग बना देंगे। वहीं क्या कहना है इस पूरे मामले पर आप नेता कादिर भाई का, आइए सुनाते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह का बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी को एक आग की लौ पकड़ा दी है। ओवैसी साहब की दुकान जब बंद होने पे आई तो उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सहारा और उनको जिंदा करने का एक वजूद बनाया है। मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी इस तरह के ज्वलनशील मुद्दों को उठाने की कोशिश ना करें और देश का माहौल बिगाड़ने की देश तरक्की के राह पे चले, उसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और विकास की बात करने वाले लोग विकास की बात करेंगे। इस तरह की ओवैसी का बयान निरर्थक है और कतई इसमें उनका किसी तरह का बयान नहीं आना चाहिए। देश का माहौल एक शांत माहौल होना चाहिए। CNRC मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है और चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए हैं सरकार इस पर गंभीर विचार करके देश के हित के लिए सोचे और विकास की राह पर एक
चल पड़े। अब चूंकि विकास की बात हो रही है, ये धर्मी की बात कोई रहने की है, सीए एनआरसी उसी से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि विकास के राह पे चले, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अगर सीए एनआरसी को भी वापस लेती है तो स्वागत योग्य है। कादिर भाई, प्रयागराज। अब जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, आइए सुनाते हैं क्या कहा। कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिलाधिकारियों को फरमान जारी किया है कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलाधिकारी अपने अपने जनपद में ध्यान रखें कि कहीं गोवंशीय पशु आवारा ना घूमें। मैं अगर प्रयागराज की बात करूं तो पूरे प्रयागराज में लगभग 250 से ज़्यादा गौशालाएँ, उन गौशालाओं में जो कागजों में दिया गया है कि इनको चारा पानी की सुविधा है, आहार दाने की व्यवस्था है, चौकीदार की व्यवस्था है, ऐसा चौकीदार की व्यवस्था है जैसे केंद्र में बैठी सरकार के जो चौकीदार हैं उनके रहते हुए जैसे विदेश भाग जाते हैं पूंजीपति लोग, उसी तरीके से गाँवों में जो गौशालाएँ बनी हुई हैं उसमें जो चौकीदार बैठे हैं वो चौकीदार फरार हैं और गोवंश पशु हमारा घूम रहे हैं। और जिलाधिकारियों को ये कहा जा रहा है कि आप इस पर विशेष ध्यान रखें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, कहीं ना कहीं शिक्षकों के काम के अनुरूप में नहीं लगाया जाता। वो शिक्षा प्रणाली से तो जुड़े हैं लेकिन उनको रैलियों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोल दिया जाता है। जो कोटेदार साथी जिनका काम है गांव में हर लाभार्थी तक राशन वितरण की प्रणाली को सुनिश्चित कराएं और प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुँचे, लेकिन उन लोगों को भी कहा जाता है कि आप लोग भी बसों में भर भर करके गाँव की जनता को, 5-5 किलो वाली जनता को आप हमारी रैलियों में लेकर के आइए। आप अभी कुछ दिन पहले एक बनारस के आसपास में जिले में एक रैली हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी इंजीनियरों को लगा दिया गया था कि आप पशुओं को पकड़ें। अब आप बताइए कि देश का उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है, देश में पढ़े लिखे लोगों की हालात क्या है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनका भी अपमान कर रही है और सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। केवल ये चुनावी जुमले और चुनाव को जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए ये अनाप शनाप जैसे आदेश पारित करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की अतरसुईया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहां अतरसुईया पुलिस ने पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर अतरसुईया थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर हसन मंजिल से पास्को एक्ट में वांछित कमरुज्जमा को किया गिरफ्तार। अब इसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर पुलिस कमरुज्जमा को भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। अब बाज़ारों में फिर पुराने रवैये पे लोग काम कर रहे हैं, नियम कानून को ताक पर रख कर लोग घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा। लोगों की लापरवाही से फिर से बढ़ सकता है प्रयागराज में कोरोना और लोगों को परेशानी हो सकती है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली कोतवाली पुलिस भी दिखी गायब। संगम नगरी प्रयागराज में अमृत महोत्सव समिति प्रयाग दक्षिण के तत्वावधान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालकर चौक के शहर के विभिन्न क्षेत्रों से तिरंगा यात्रा निकलकर चौक के ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास तिरंगा यात्रा पहुंची, जहां प्रयागराज के ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज के अनगिनत विस्मृत बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही 5100 दीपों का दीपदान कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रचारक रमेश जी, प्रांत संघ चालक विश्वनाथ लाल जी, प्रांत प्रचार प्रमुख श्री मुरार जी, प्रयागराज विभाग के सामाजिक सद्भाव प्रमुख श्री मोहन जी टंडन आदि उपस्थित रहे। वहीं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रांत काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी द्वारा किया गया। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है चौक से जॉनसेनगंज की ओर जाने वाली सड़क का, जहां अपने आप में विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। जहां दिन के उजाले में दूधिया लाइट जलती दिखाई दे रही है, इनके उजाले में जलती स्ट्रीट लाइट जिससे बिजली की होती बर्बादी। जहां सरकार द्वारा बीते दिनों कहा गया कि बिजली के उत्पादन में कोयले की इस कमी से समस्या हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जलती स्ट्रीट लाइट से लाखों की बिजली बर्बाद हो रही है और नगर निगम
संगम नगरी प्रयागराज के ये चंदलोक का नज़ारा है, जहां सड़कों पर प्राइवेट बसों के कारण जाम लगता है और सड़क पर अतिक्रमण रहता है। आधी सड़क पर बसों के अतिक्रमण के कारण सड़क बाधित हो जाती है, जिससे आने जाने वालों को समस्या होती है। जहां एक तरफ बस खड़ी हो जाती है सड़क पर, तो दूसरी तरफ पर लोग को वन वे में ही आना जाना पड़ता है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना का भी अंदेशा रहता है। मगर इन बसों के अतिक्रमण के कारण परिवहन विभाग को भी लगता लाखों का चूना, और दूसरी तरफ सड़क भी होती बाधित। ये सड़क है चंदलोक से रामबाग की ओर जाने वाली स्टेशन तरफ, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सड़क पर बसें खड़ी हैं और जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात, नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस दोनों बनी मूक दशक। विकास देखना हो तो पुराने शहर में आइए, जहां बीजेपी का विकास सड़कों पर गंगा बहती है। ये नज़ारा है शाहगंज थाना क्षेत्र के पुराने पान दरीबे की गली का, जहां आप देख सकते हैं पैदल चलने वालों के भी पैर यहां पर मुड़ जाते हैं। सड़क कहीं ऊंची तो कहीं नीची। यहां से आने जाने वालों को ये भी नहीं पता चलता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में, मगर लोग परेशान ज़रूर होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से विकास की गंगा इस सड़कों पर बहती दिखाई दे रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इंटरलॉकिंग भी उखड़ चुकी है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां सरकार ने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, मगर आप देख सकते सड़क किस तरह से जर्जर और खस्ता हालात में है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज की कीटगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां कीटगंज पुलिस ने दो नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज SSP सर्वशेष त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में SP सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO फर्स्ट के निर्देशन पर कीटगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर मनकामेश्वर मिश्रा सूर्यदीप मौर्य को किया गिरफ्तार, जिनके पास से लूट के 8 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 1 .315 बोर का तमंचा, 1 कारतूस भी किया बरामद। पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज के ये सड़कों का नज़ारा है, जहां सरकार द्वारा लगातार गड्ढा मुक्त सड़कों के वादे कर रही है, और सरकार ने जहां अधिकारियों को 30 नवंबर तक का समय दिया था, मगर आज तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। आप सड़कों का हाल देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये नहीं समझ में आता सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में। मगर ये बात साफ है कि आने जाने वाले ज़रूर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बाकी विकास के दावे तो कागज़ों में सीमित हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।